मुरादाबाद के हिंदू डिग्री कॉलेज में किन परिस्थितियों में बुर्का पहनने वाली छात्राओं के लिए चेंजिंग रूम बनाया गया है, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं जारी हैं। बहरहाल इस सुविधा के बाद अब बुर्का पहनने वाली छात्राएं चेंजिंग रूम में बुर्का उतार कर और ड्रेस में कॉलेज में प्रवेश कर सकेंगी। महाविद्यालय में कुछ भारी लोग लगातार आते रहे हैं और जिनकी वजह से हमारे महाविद्यालय की छात्राओं को परेशानी होती रही है। कॉलेज प्रशासन ने इस उनकी समस्या को लेकर बहुत गंभीर और व्यापक रूप से एक पहल की है, जिसमें हम लोगों ने तय किया है कि सभी कॉलेज के छात्रों को बाहरी लोगों से आइडेंटिफाई किया जा सके, इसलिए हम लोगों ने ड्रेस कोड लागू किया है। और ड्रेस कोड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो है किसी भी समाज के किसी भी गार्जियन को, किसी भी छात्र को, किसी भी छात्रा को कोई परेशानी नहीं है और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। महाविद्यालय परिवार में हम सब लोग बच्चों के गार्जियन के रूप में काम कर रहे हैं, किसी भी छात्रा को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो उसके लिए हम लोग कदम उठा रहे हैं। कल क्या हुआ था सर कॉलेज में? जो कल कुछ लोग समाजवादी छात्र सभा की तरफ से ज्ञापन आया था और उन्होंने मांग की कि हमें कॉलेज परिसर में मतलब क्लासेस तक जो है बुर्के में मुस्लिम छात्राओं को परमिट कर दिया जाए, तो हम लोगों ने उनके लिए उनके अनुसार ही चेंजिंग का रूम यहाँ पे तैयार करा दिया है। अब किसी छात्रा को कोई परेशानी नहीं होगी और मैं समझ रहा हूँ कि किसी गार्जियन को भी कोई परेशानी नहीं होगी और कॉलेज में माहौल भी अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए जब कॉलेज में अगर एक जैसे बच्चे जब ड्रेस में दिखते हैं तो कॉलेज में एक अनुशासन का मैसेज जाता है। ड्रेस के लिए तो कह दिया है, तो बुर्का क्यों पहनना, बाहर से उतार के आना है तो कॉलेज के अंदर। अच्छा, तो अब उसके लिए मना नहीं किया गया है? नहीं। तो आप यहाँ पे चेंजिंग रूम में बुर्का उतार के? चेंजिंग रूम में उतार लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है, कि क्या है? नहीं, सही है, ये बुर्का बाहर ही उतारना चाहिए जब कॉलेज आ रहे हैं। दरअसल समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया था कि बुर्का पहनने वाली छात्राओं से कॉलेज के गेट पर ही बुर्का उतरवा लिया जाता है, इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। यही वजह है कि कॉलेज प्रशासन ने ये कदम उठाया है ताकि मामले को शांत किया जा सके।